काफी लंबे समय से जातिगत जनगणना पर स्टे लगा हुआ था, जो अब जाकर गणना पर लगे स्टे को हटा दिया गया। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट से बिहार सरकार को अब राहत मिल गई है और ये बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अब बिहार में जातिगत जनगणना फिर से होगी। आपको बता दूं कि जैसे ही ये फैसला आया उसके बाद से बिहार में सियासत गर्माती जा रही है। इस पर हर दल के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दूं कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने कहा कि बीजेपी बिहार में और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। अगर कुछ बिगड़ेगा तो वह बीजेपी का बिगड़ेगा। वहीं आपको बता दूं कि बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है। सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जातीय गणना पर उच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। राज्य सरकार ने प्रारंभ में ही अच्छी तरह बहस की होती तो यह नौबत नहीं आती। बीजेपी सरकार ने ही बिहार में जातीय गणना का फैसला लिया था। आपको बता दूं कि सिर्फ सुशील कुमार मोदी ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि हम लोग तो पहले से ही जातीय गणना के समर्थन में थे। बहरहाल जब से जातिगत गणना पर स्टे हटाया गया है तब से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि यह देखना लाजमी होगा कि कब से बिहार सरकार फिर से जातिगत गणना कराती है। और आपको ये भी बता दूं कि 80% तक जातिगत गणना हो चुकी है, बाकी जो बचे हैं वो अब कराई जा सकती है। बहरहाल आप देख रहे थे IVTV, मैं निशा, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।